हेलो, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बनाएंगे, बिना लहसुन प्याज और बिना टमाटर का। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगा। एक बोल में मसाले तैयार कर लेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा सौंफ का पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप मसाला भूनते समय भी डाल सकते हैं, इसी में डाल लेंगे नमक को। पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को तैयार कर लिए हैं। मसाले को पहले से ही तैयार करके रखेंगे, मसाला अच्छे से पानी में भींग जाएगा। पैन गर्म करेंगे, तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, एक चम्मच तेल डालकर तेल को गर्म कर लेंगे। जीरा साबुत धनिया, आप इसे हल्का सा क्रश करके भी डाल सकते हैं। हींग, लाल मिर्च, साबुत वाली लाल मिर्च डालेंगे। तीखे के अनुसार से हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च को बारीक बारीक काट कर डालेंगे। पानी में घोल कर रखे हैं उस मसाले को डालेंगे। मसाले को डालकर इसे भून लेंगे। अगर आप मसाले में नमक नहीं डालें तो इस टाइम पे इसमें नमक डाल लें। मसाले को भून लेंगे। मसाले का एक्स्ट्रा पानी सारा सूख गया है, इसे एक मिनट भून लिए हैं मसाले को। मसाला अच्छे से भून गया है। इसमें 3 चम्मच दही लिए हैं, 3 से 4 चम्मच है। दही को अच्छे से फेंट कर डालेंगे, एक हाथ से चलाते जाएंगे और एक हाथ से दही को डालते जाएंगे। दही को डालकर इसे मिक्स कर लेंगे, इसे भूनेंगे। दही को 3 से 4 मिनट भून लेंगे। तेल सेपरेट होने लगा है, सारा तेल इसका सेपरेट हो गया है, इसे इतना ही भूनेंगे, इससे ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे। एक छोटे साइज के उबले हुए आलू को डालकर इसे मैश कर लेंगे। आलू को मैश करके डालने से ग्रेवी थिक बनेगा। आप इसके जगह पे 2 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। आलू को डालकर इसे अच्छे से मैश कर लिए हैं, इसे 2 मिनट भून लिए हैं। मसाला बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। 3 मीडियम साइज का आलू को उबाल लिए थे पहले से ही, इसे छील कर इसमें तोड़ कर डालेंगे। हाथ से इसे रफली तोड़ लिए हैं। आलू को डालकर 1 से 2 मिनट भून लेंगे। आलू को भून कर इसमें ग्रेवी के अनुसार से पानी डाल लेंगे। पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। पानी डालकर इसे मिक्स कर लिए हैं। इसमें ऊपर से कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ा सा। आप मसाले को भूनते समय भी डाल सकते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालकर इसे ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। 3 मिनट हो गया इसे पकते हुए। इसे मिक्स कर लेंगे ढक्कन हटाकर। 1 मिनट इसे खुले पैन में पका लेंगे। आप अपने ग्रेवी के अनुसार से इसे बना सकते हैं, कितना गाढ़ा और पतला रखना है ग्रेवी को। सब्जी बनकर तैयार हो गया है, बिना लहसुन प्याज बिना टमाटर का। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगा। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है सब्जी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। थैंक यू, बाय।